मैंने एक नई मार्केट से स्प्रे पेंट स्प्रे गन खरीदी है जैसा आपको सामने है, तो इसको आप मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसको असेंबल कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। जैसे देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा पेंट स्प्रे गन है ये, तो इसको इसको मैं इस कटर की मदद से खोलूंगा। जैसे आप देख रहे हैं, खोलने के बाद आप देखते हैं इसमें हमें डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट मिले हैं, और इसके ऊपर आप देखें कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखा 1.4 mm नोजल, तो उसकी नोजल है वो 1.4 mm की है, और जो नीचे इसका हैंडल दे रखा है प्रेशर डाई कास्टिंग एल्युमिनियम बॉडी, जो इसकी जो बॉडी है जो हैंडल की वो एल्युमिनियम बॉडी है और डाई कास्टिंग का है, तो और सब इसमें फुल जानकारी आपको दे सकते हैं दे रखी है। और इसके अंदर इनर देखते हैं, इसके अंदर और अंदर क्या क्या मिल सकता है हमें देखने को मिलेगा। जैसे आप इसे देख सकते हैं, ये इसका हैंडल है जो हम जिसमें से पेंट इसकी मदद से बाहर निकलते हैं, सब देख रहे हैं, और ये इसकी कैप है जिसे कप बोलते हैं, और इसमें कुछ और भी है जैसे आप ये देख रहे हैं। तो इसे अब मैं दिखाता हूँ कि इसको असेंबल कैसे करना है, देन हमें इसको खोल लेना है पैकिंग को, और फिर इस कप को भी निकाल लेना है जो ये एल्युमिनियम बॉडी है, फिर इसको इसके ऊपर यहाँ पे एरिया में लगाना है, क्योंकि इसमें हमें पेंट को इसके अंदर पेंट फिल करते हैं। ऐसे आपको खोल के दिखा सकता हूँ, आपको इसके अंदर पेंट डाला है जैसे आप देख रहे हैं, और इसको इसके यहाँ पे अब इस गन के ऊपर जो ये जाप देते हैं थ्रेड है इसके अंदर लगा देना है, फिट कर देना है इसको कम्प्लीटली, इसके ऊपर चढ़ा देनी है सामने, ये कम्प्लीटली टाइट हो गया है आप देख सकते हैं। और इसकी में और भी आपको दिखा सकते हैं, इसमें और कुछ पार्ट भी था, जैसे ये है, इसे क्या इस्तेमाल करना है, इसको करना है हमें पहले इसको इसके इनर डाल देना है, इसके अंदर डालने के बाद आपको इसके ऊपर चढ़ा देना है ताकि इधर हमारा जो कंप्रेसर से पाइप आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब इसको हमने कम्प्लीटली कनेक्ट कर दिया जो भी हमारा सामान था, और यहाँ पर हमें पेंट डालना है अपना। इसमें आपको थोड़ा आप देख सकते हैं इसमें जंग लगी हुई है थोड़ी सी, क्योंकि जो ये था मेरे मशीन थी मैंने पहले तो इसको थोड़ा हमें मशीन को हमें थोड़ी जो है थोड़ा हम साफ कर लेंगे ताकि हमारा पेंट जो गंदा ना हो इसको, और इसको डाल के जब पेंट डालने का इसको बंद कर सकते हैं इसे मिक्स करके। और जैसे आप देख सकते हैं हमारी पूरी गन जो है अब ये कम्प्लीटली तैयार हो गई है, और आपको मैं दिखा सकता हूँ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कंप्रेसर भी है जो उसका पाइप कैसे कनेक्ट होगा इस यहाँ से। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक कंप्रेसर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारे पास एक कंप्रेसर है, और इस कंप्रेसर से जैसे आप देखते हैं ये कंप्रेसर हमारे पास, और इसकी जो पाइप लाइन है वो उसे यहाँ से इसकी पाइप लाइन की सप्लाई दे रखी है हमने, ये कंप्रेसर की एज में जाएगी इस पाइप से के थ्रू होते हुए। आप देख सकते हैं इस एक मेरे पास पुरानी जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, ये ख़राब इसमें कोई दिक्कत आ गई थी इसलिए मैंने एक नई खरीदी है। तो जैसे यहाँ पे एंड में जैसे आप इसके कनेक्ट दे रखे हैं देख सकते हैं इसके एंड में इसको जैसे कनेक्ट कर रखा है इसकी चूड़ी पीछे चढ़ा रखा है, वैसे भी उसी तरह हम नई वाली को भी यहाँ पे जैसे नई वाली का भी यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। इसका कनेक्शन देने के बाद क्या करेंगे बस फिर हमें क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंट भी गिर गया मेरे से गलती से, तो बस उसी तरह से हमें इसको इस्तेमाल करना है, और बस इसको इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना, और बस और इसको हमें और इस तरह से हम इसको जब प्रेस करेंगे तो हमारा पेंट होगा वो बाहर आएगा। तो थैंक यू गाइस, इफ़ यू वांट वीडियो अबाउट अनदर टॉपिक प्लीज कमेंट मी एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस। अगर आप हो नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ करिए सब्सक्राइब, और आपको हमारी अपलोड होने वाली वीडियो को देखना है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कर दीजिए एक लाइक।